नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि रेशम क्लासेस। आज मैं आपको बता दूंगी सेकेंड ईयर के इग्नू के क्वेश्चंस के लिए। आपको पता है एग्जामिनेशन बहुत करीब है और ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पूरी की पूरी कंप्लीट नोट्स है, जहाँ पे आप ये एग्जामिनेशन के व्यू को देखते हुए बनाई गई है, ताकि आप कम से कम समय पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं उसके लिए पूरी तैयारी है। तो प्लीज़ आप ऐसे ना करें, यानी सब कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करो स्मार्ट वर्क करो, तो स्मार्ट वर्क कीजिए। वो स्मार्ट वर्क करके आप ला सकते हो बहुत ही अच्छे नंबर। तो ये जो तीन आज आपको एक नोट्स बताऊंगी, जिस पे से अगर आप इस क्वेश्चन से पांच क्वेश्चन कर सकते हो आंसर, एक सिंगल क्वेश्चन पांच क्वेश्चंस के आंसर, क्या है ट्रिक, चलिए आपको बताते हैं। आज का जो पूरा सब्जेक्ट है वो कौन सा है, आपको पहले हम यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखा देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये है हमारा MSOE 3 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का समाजशास्त्र। अब चलते हैं इसके नोट्स के ऊपर, यानी कौन सा नोट्स है, कौन सा इंपॉर्टेंट नोट्स है उसके बारे में। तो जाति और जनजाति के बारे में ब्रिटिशों का क्या नज़रिया था, इस पे हम जानेंगे। और इसी के साथ हम जानेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि जाति व्यवस्था क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, जातियों के बारे में ब्रिटिश का क्या नज़रिया था। ये दोनों कंबाइंड क्वेश्चंस हैं और इससे आप तीन क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ जाति की बात होती ही है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये कम से कम इससे दो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं धर्म और जाति से। आपने अगर फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर नहीं पता तो फिर भी मेरे चैनल में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे वीडियोस, आई बटन पे भी आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। उसी के साथ आप मुझे क्वेश्चंस करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे, और कॉल मी के ज़रिए, यानी एक ऐप है कॉल मी 4, उसके ज़रिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसकी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आपको मैं दे दूँगी, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें पा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जाति के बारे में। सबसे पहले जाति के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जाति है क्या, कास्ट से क्या समझते हैं आप जाति। भारत में जाति को लेकर काफ़ी समय से ना काफ़ी कुछ चला है। जाति एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सदस्य जन्म पर आधारित होते हैं और अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह प्रथा, सामाजिक सहभाव और संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू होता है। अब हम कह सकते हैं कि जाति क्या है, जाति एक ऐसा ग्रुप है जिसके अलग नियम होते हैं, उनकी अलग प्रथाएँ होती हैं, और उसके सदस्य जो है और उसके कुंबे के जितने भी लोग हैं ग्रुप में, वो अपनी कस्टम से बंधे होते हैं, और जो भी इससे बाहर जाता है उसको या फिर उस जाति से निकाल दी जाती है। ये बात हो गई जाति के लिए। अब जाति, भारत में बहुत सारी जातियां हैं, हर एक धर्म में जातियां हैं, धर्म का जाति से पूरा का पूरा रिश्ता है, हर एक धर्म से ही जाति निकलती है, धर्म के अंतर्गत ही। जैसे अगर हम बात करें हिंदू में, तो हिंदू में भी कास्ट अलग अलग बांटी गई है। जैसे अगर हिंदू धर्म की ही बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हैं, गोत्र आते हैं हिंदू धर्म में, प्रतिष्ठा समूह का सदस्य बनना मात्र, जैसे कि यहाँ पे हर एक चीज़ अलग अलग होती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग प्रक्रियाएं होती है हिंदू धर्म में अगर हम बात करें, जिसमें गोत्र आ गए। और इसमें से अगर जाति करें तो वैष्णव हो गए और शूद्र हो गए, ब्राह्मण हो गए, ये सारे वर्ण हैं, और वर्ण के अंतर्गत आती है जातियाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने समझाई कि जाति क्या है। और इसी के बाद हम बात करते हैं कि ब्रिटिशों ने किस तरह से जाति को समझा। तो ब्रिटिश जब भारत आए तो उन्होंने कास्ट का सिस्टम देख के उन्हें ये समझ आने लगा कि भारत में जाति को लेकर काफ़ी डिफरेंसेस हैं, यानी कि जाति एक जाति दूसरी जाति से भिन्न है, उसके कस्टम्स भिन्न हैं, और यहाँ तक कि कुछ जातियों को नीचा तक समझा जाता था। जाति पे ही बहुत सारे काम बटे होते थे, जैसे कि ब्राह्मण जाति का है कि ब्राह्मण वर्ण यानी ब्राह्मण जाति वो ऊंचे काम करेगा, सपोज मंदिरों में पूजा करना, और जो विद्वानों के जितने भी काम होते हैं वो सारे पंडित करते थे और ब्राह्मण पुरोहित करते थे, और बच्चों की पाठशाला या फिर जो भी ज्ञान बांटने का काम था उनका था। वैष्णव वो आ गए, जैसे कि जितने भी व्यापार होते थे, बड़े बड़े व्यापार, सोने के व्यापार, और धनवान जितने भी व्यक्ति थे वो सारे वो काम करते थे।
शूद्र आ गए तो शूद्रों से छोटे काम करवाए जाते थे, जैसे सफाई हो गई, उसी के साथ तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम जो उनसे करवाए जाते थे जो शूद्र से। तो ऐसी तरह से उसी में फिर कुम्हार आ गए, लकड़हारे आ गए, ये सारे जो काम हैं बहुत सारे काम होते थे। तो जाति के हिसाब से सबका काम फिक्स था। हालांकि ये अब चेंज हो गया है और इसे चेंज होना ही चाहिए था, क्योंकि गुण के हिसाब से, टैलेंट के अकॉर्डिंग सबको काम मिलना चाहिए, ना कि कास्ट वाइज। जाति व जनजाति के बारे में ब्रिटिशों का सरकारी नज़रिया ये था कि हेनरी वेरेल्स ने बिहार व बंगाल के स्थानीय लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन के अतिरिक्त उनके रीति रिवाजों के विषय में बहुत सारी सूचनाएँ इकट्ठा की। हिंदू मैनर्स, उन्होंने 1816 में फ्रेंच मिशनरी एवे डबो डस ने 1816 में हिंदू मिशनरी कस्टम एंड सेरेमनीज में हिंदू के तौर तरीके रीति रिवाजों के बारे में बात की। अब आप यहाँ से थोड़ा सा समझिए कि हमारे हिंदू धर्म में, या फिर हम कह सके तो हमारे समाज में, कितनी सारी विविधताएं हैं जिसके वजह से ब्रिटिशों को भी इस पर बुक लिखनी पड़ी। हमारा समाज बहुत जटिल है और बहुत ही जातियाँ यहाँ पर जटिलता से यहाँ रहती है। और एक साथ सर हर्बर्ट रिजले ने भारत का एक जाति सर्वेक्षण भी कराया गया, जिसे जनगणना के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा सकता था। उन्होंने निम्नलिखित आधारों पर इस प्रस्ताव को उचित बताया। इसने यूरोपीय समस्याओं का भारत में उपलब्ध मानव जाति के आंकड़े लुप्त होने के पूर्व एकत्र करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस प्रकार के आंकड़ों की अनिवार्यता, न्यायिक प्रक्रिया, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, इस प्रकार के कार्यों से हो सकता है। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या क्या बात कही। अब यहाँ पे आंकड़े इकट्ठा करना, डाटा कलेक्शन, और वो भी कास्ट पे क्यों ज़रूरी था। इससे ये पता चलता है कि कितनी जातियाँ, कितने जो लोग हैं वो किन जातियों के हैं, किन धर्म के हैं, किन जातियों के हैं। इनसे ये पता चलता था कि कौन सी जाति विलुप्त हो रही है, किस जाति में जो है विकास सबसे ज़्यादा हो रहा है, किस जाति में व्यापार सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, और समस्याएं उनको समझने में आसान होती थी। इसी के साथ रोग या फिर बीमारियाँ, संक्रमण, किस, ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जानने के लिए, और बहुत सारी समस्याएँ, गरीबी, भूखमरी, ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए ना ये जाति का जो सिस्टम था वो बहुत ज़रूरी था। यानी इस पर एक सर्वे करना, एक पूरी जनगणना करना बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इसीलिए उन्होंने ये जनगणना किया। अब हमारे देश में भी अभी भी देखी जाती है, तो चाहे हम मतदान की बात करें या फिर करें अपने डेली चीज़ के, यानी अपने समाज के बारे में, तो वोट से लेके हर एक चीज़ यहाँ पे कास्ट वाइज बटी हुई है। आरक्षण एक मुद्दा था, आरक्षण का भी सिस्टम यहाँ पे प्राचीन, यानी एंशियंट टाइम से नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश की सरकार थी तब से ये नीति बांट दी गई थी कि आरक्षण मिलनी चाहिए। तो ब्रिटिशों का जो नज़रिया था उसमें बताया गया कि नज़रिया था कि जाति और जनजाति के बारे में, तो वो यही सोचते थे कि जाति जो एक ग्रुप है जिसके अंतर्गत कुछ कस्टम, रूल, रेगुलेशंस होती है जिसको फॉलो करके एक ग्रुप में वो रहते हैं। जनजाति के बारे में भी उनकी ही कुछ ऐसी थी जो आम समाजों से दूर अपना एक उनका पूरा ग्रुप होता था, और वो बहुत बड़े ग्रुप में भी हो सकते थे, छोटे ग्रुप में, और समाज से थोड़े हटके अपने समाज में रहते थे, उनको जनजाति कहा जाता था। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस के पूरे पूरे आंसर बताए हैं। आप इसमें से अगर जाति के बारे में कोई भी टॉपिक आए तो आप इसमें लिख सकते हैं, जाति और धर्म का क्या रिश्ता है, कैसे है, वो चीज़ पे आप इसमें लिख सकते हैं। अब अगर आपको इसका PDF चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़े पैसे चुकाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत मिनिमम कॉस्ट है। लेकिन अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये स्क्रॉल डाउन होगा धीरे से, आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप इसे पूरा लिख सकते हैं, या फिर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को, उसके बाद आप इसे आराम से लिख सकते हैं बैठ के, जब भी आपको समय मिले। नहीं तो आप सिर्फ इसे पढ़ भी सकते हैं, वैसे तो मैंने आपको इसे समझा दिया, अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ चलिए अब यहाँ से मैं हो जाती हूँ म्यूट। अब आप इसे पूरा लिख सकते हैं, लिखिए पूरे के पूरे नोट्स को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।